दोस्तों, और फाइनली अब थोड़ा सा रिस्पांस मुझे सोशल मीडिया से भी मिला है, जिसमें फेसबुक में मैंने एक छोटी सी पोस्ट डाली थी कि लेमन पककर तैयार हो गए हैं और क्या बिकते हैं, और जो लोकेलिटी में है ऑर्डर आते हैं, तो अच्छा रिस्पांस मिला और ले गए हैं। तकरीबन अभी तक 30 केजी के करीब मैंने दे दिए हैं 50 रुपये के हिसाब से। और अब जो है फाइनली मैं लेमन मैन जो है बन चुका हूँ। नींबू जो है अब देख लें आप, कुछ लग रहे हैं इस तरीके से, और कुछ अभी आपको दिखाई दे रहे हैं पीले हो गए हैं और कुछ बिल्कुल हरे हैं। तो निकालने का सही समय तब है जब इस तरीके से आपका कुछ पीले रंग के हो जाएं। ये देखिए, ये पीले थोड़ा सा रंग इनका आ गया है, तो ये निकालने के लिए बेस्ट है। आप देखिए, अगर आपको भी चाहिए, कोटली के नज़दीक हैं तो मैं कोटली में आपको दे दूंगा जितना संभव हो सके। बाकी आगे को कितना निकलते हैं वो तो बाद की बात है। और बगीचे का एक नज़ारा आप नीचे को देख लें, जिस तरीके से कुछ लगे हुए हैं। और हम नीचे को भी जाएंगे अभी और देखेंगे कि क्या क्या है बगीचे का हाल। यहाँ पर देखिए, अमेजिंग। देखिए पापा जी नींबू काट रहे हैं, निकाल रहे हैं। निकाल रहे हैं। तो देखिए इतने भारी नींबू लगे हैं, अगर आपने खाने हो तो कोटली से ले लेना। ये देखिए, तो बिटिया है, छोटी रानी, ये बना रही है। तो जो पके ये हैं बोल उनको हम निकाल रहे हैं ताकि जो पौधा है उसके ऊपर भी ज़्यादा वजन ना पड़े और लोगों को उपलब्ध भी हो सके। ये नींबू की हरियाली नीचे बहुत सुंदर है। और पापा जी ये देखिए, जहाँ पे लंबी टहनियाँ होगी तो ये हथियार बनाया हुआ है, इसे निकाल लेंगे। और ये दोस्तों, बगीचे में एक संतरे का पौधा है, आप देख लें इसमें जो भी संतरे लगे हैं, तकरीबन 10-12 हैं। फर्स्ट फ्रूटिंग है इसकी भी ये। अगली बार कितने लगते हैं ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन खुशी होती है जब, ये देखिए नज़दीक से दिखाता हूँ आपको, रंग अभी कुछ टाइम के बाद आएगा इसमें। ये देखिए दोस्तों, जो नींबू है अभी तैयार हो रहे हैं, कुछ थोड़ा थोड़ा निकाल भी रहे हैं, लेकिन अगर किसी की डिमांड होती है तो मैं श्योरिटी नहीं देता कि आपको एकदम दे दूंगा, लेकिन जब नींबू पकेंगे थोड़ा पीलापन आ जाएगा, उसके बाद ही मैं बगीचे से या पौधे से फल तोड़ूंगा। और उसके बाद अभी और काम भी चलेगा, उसके बाद प्रूनिंग का। सर्दियों में देखिए आप किस तरीके से डूले हुए हैं कुछ कुछ पौधे तो तकरीबन, और मेरे को सपोर्टिंग का भी इंतज़ार करना पड़ेगा अगर ज़्यादा ही बैंड होते हैं तो। आपको दिखाई दे रहे होंगे जहाँ पर भी है, गुच्छों में लगे हैं ये। और दोस्तों, बगीचे के बारे में मुझे अभी तक यही कहना है कि अगर आप लगन से काम करेंगे तो आप फेल नहीं होंगे, ये मेरा खुद का अनुभव है। और कितना साल अभी चलता है, वैसे तो एस्टिमेट मान के चला हूँ कि 20 से 25 साल तकरीबन मैं इनसे फल लूँगा, और लास्ट में 50 से 60 पौधे ही रखूँगा, क्योंकि पौधे काफ़ी बड़े हो जाएंगे, कुछ अभी छंटनी करनी पड़ेगी। बीच में जो पौधे कम फल दे रहे हैं या आपस में टकरा रहे हैं तो उन्हें भी निकालना पड़ेगा इस तरीके से। और बगीचा आप देख लीजिए पूरी तरह से भरा है, और रेट मुझे 50 रुपये मिला है इस बार, क्योंकि अभी शुरू में पहली बार बेच रहा हूँ तो इतना कर काफ़ी है। और अगर बाद में अगर फसल कम होती है तो नेचुरल बात है कि रेट जो है अपने आप हाइक होते हैं, लेकिन आपको तसल्ली होगी कि जो नींबू है उसमें किसी भी प्रकार का यूरिया या फिर केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है, खासकर फल को बनाए रखने के लिए। और खाद आप देख लें, ये देखिए जो पत्तों को मैंने पत्तों की खाद दी थी, और तकरीबन अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। कोई भी जो खरपतवार है वो नहीं उगा है किसी भी पौधे में।
आप देख लें। और जहाँ तक दीमक की बात थी तो दीमक भी नहीं लगा, ये फ्रेश पौधा है, इसमें भी देख लो आप। दीमक की वैसे आशंका थी कि दीमक लगेगा, लेकिन बरसात के कारण हो सकता है नहीं लगा, या फिर कई और कारण हो सकते हैं। मैंने 3-4 दिन तक मुआयना किया था और उसके बाद नहीं लगा, तो इस बार मौसम भी अच्छा रहा, बरसात भी खूब हुई। वीडियो में जो भी कंटेंट आप देख रहे हैं वो मेरे खुद के ज़मीन पर और खुद का बगीचा लगाया हुआ है। तकरीबन 6 साल हो गए मुझे इस बगीचे के साथ, जब से पौधे छोटे थे, और हरेक की वीडियो मैंने जो है शुरू से लेके अब तक जो कठिनाइयां महसूस की या जो दिक्कतें आई शुरू में तो ऐसा है कि 3-4 साल आप ये मान के चलो कि एक भी नींबू नहीं लगेगा, आपको सिर्फ मेहनत करनी पड़ेगी, पौधा बढ़ाना पड़ेगा, और उसके बाद ही 5-6 साल के बाद ही मान के चलिए कि उसके बाद, क्योंकि बीजू पौधा है, बीज से उत्पन्न हुआ पौधा है ये, तो 5-6 साल के बाद ही, और लाइफ इसकी ज़्यादा है। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें और अपना सहयोग यूँ ही देते रहें।